कि सारे किसान वहां पे पहुंच रहे हैं किसी ना किसी वजह से, कुछ बता सकते हैं सर? आप भी सपोर्ट अनाउंस किए हैं उनको। देखो, पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इश्यू हैं। देश में बहुत किसान संगठन है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी, जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पे तो मंडियां खत्म कर दी, यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है, वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है, क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया, तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई दो दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई, भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई, 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही है, ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन सर, सरकार ये कह रही थी लगातार कि हम बात करने की कोशिश की है, लेकिन संगठन वालों ने जो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बात वो तो अपनी बात रखेंगे, बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है, ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं, किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है, ये किसान समझ गया। इस देश को आंदोलन बचाएगा, आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होंगे, वे होते रहेंगे। लेकिन सर, जो जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे, आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी किसान हैं, आपको नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट नहीं, 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 नहीं कोई सपोर्ट नहीं, हम कोई किसी जो आंदोलनकारी है कोई दूसरे देश के रहने वाले, लेकिन उनको वोट का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार हमको संविधान में दिया गया है, वोट वो अपनी मर्जी से कहीं डाल ले, आंदोलन में हमारे साथ में है, आंदोलन में तो बीजेपी के लोग भी हमारे साथ में हैं, वे अपना झंडा उतार खाते हैं हमारे साथ में, क्योंकि फसल के दाम तो उनको भी चाहिए ना, वे सरकार को वोट सरकार को देते हैं, आंदोलन में हमारे साथ में है। अब हम ये कहने लगे जिसमें पॉलिटिकल पार्टी आ रही, हर आदमी पॉलिटिकल है, जो आदमी वोट दे रहा है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, कोई संयुक्त किसान मोर्चा अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो नॉन पॉलिटिकल पूरा ही है, हम इलेक्शन नहीं लड़ते वोट देते हैं, हमारे मोर्चे में सारी पार्टियों के लोग हैं, जो सत्ता में रहती है वो झंडा लगा के नहीं आते, पॉलिटिकल वाला कोई झंडा लगा के नहीं आता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देने वाले सब लोग हमारी सरकार साथ में है। लेकिन ये भी एक आलोचना आ रही है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सरकार कर्नाटक से लोगों को वहां पे भेज रही है, और बहुत सारे ऐसे जगह से पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करके कोई कोई किसी को नहीं भेज रहा,
ये सब किसान हैं, अपने उस सजा रहे। जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको तो अपनी जान बचानी भारी हो रही, वे हमारी क्या सपोर्ट करेंगे, वे अपनी सरकार ही बचा ले। पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। और हमने तो जब सरकार और देश का राजा ये कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे तो फिर चुनाव की कहां जरूरत रहेगी देश में? भाई चुनाव की जरूरत रही नहीं, इसको रिन्यूअल कर लो ना फिर। क्यों देश को भी बेवकूफ बना रहे हो भाई? एक पॉलिसी ले आओ और कह दो कि सरकार को रिन्यूअल कर दो। लेकिन किसान मोर्चा के आंदोलन और ये चुनाव को लेकर किस तरह से हमारा कोई कनेक्ट नहीं है? हम जो भी मूवमेंट के लोग चुनाव लड़े उसका पर्चा कैंसिल कर दो भाई, पर्चा कैंसिल कर दो उसका। हम अगर चुनाव लड़ा हमारा पर्चा कैंसिल करो, लेकिन आंदोलन देश में बंद नहीं होंगे, आंदोलन चलते रहेंगे। दिल्ली जा रहे हैं, पिछले बार जो हुआ सालों तक वहाँ पे बैठे थे आप, आंदोलन हुआ, बहुत बड़ी आंदोलन हुई वहाँ पे, अभी भी बैरिकेड लगाए हैं, अभी भी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं आप, दिल्ली पहुँचने क्यों सर? क्या और कहाँ जाएं? कानून कहाँ बनते हैं? बेंगलोर में बनते हैं क्या भाई? कानून अगर उसके पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़े तो वहां पर चले जाएंगे। जहां जिसका काम है, हल तो खेत में ही चलेगा, विधानसभा में तो चलेगा नहीं। कानून दिल्ली बनाता है तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली क्यों ना जाएंगे? लेकिन दूसरी तरह से भी उसे आगे रख सकते हैं क्या? कैसे रखते हैं बता? सामने बात करना हो, सरकार है कहाँ? अगर देश में बीजेपी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती, देश में कांग्रेस की सरकार होती वो बातचीत करती, देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती वो बात करती। ये बीजेपी की सरकार तो यही थी। ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, वो दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य हैं वे, ये उनकी सरकार है। जो भी बीजेपी में भी लीडर बढ़ने की कोशिश करेगा ये उसको भी मारेंगे। आप बताओ, जो भी बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको मारेंगे। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो वो जरूर बात करती। ये उद्योगपतियों की सरकार है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये बात करेगी नहीं। ये आंदोलन से बात करते हैं, ये व्यापारियों की सरकार है। व्यापारी और भिकमंगा कभी भी देश से प्यार नहीं करता। इनको अनाज यहाँ बेचने में फायदा होगा, ये बेचने का काम करेंगे, यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करने में फायदा होगा, बाहर एक्सपोर्ट करने में, इम्पोर्ट में फायदा होगा, इम्पोर्ट में कर लेंगे। मतलब जो भी पार्टी हो, जो भी नेता हो, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आप कह रहे हैं उनको भी मार देंगे? मार देंगे कि ये कहीं भी नहीं कहा हमने, मार देंगे, किसने कहा मार देंगे? आप कह रहे हैं जो भी, मारने का मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, इस पार्टी में जो भी नेता उभरने की कोशिश करेगा उसको ये दबा देंगे। सर, इस तरह की बातें हो रही है कि ये सारे आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं चल रहे? क्यों? ये इल्जाम है आपका, क्या हद लगा ले दो इल्जाम? पॉलिटिकल पार्टी का हमें सहयोग चाहिए नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को तो अपनी जान बचानी भारी हो रही। पॉलिटिकल पार्टी रहे कहाँ गई? सारी तो तोड़ दी पॉलिटिकल पार्टी, वो तोड़ दी, क्रैश कर दिए तो सब, वे तो अपने ही पार्टी नहीं बचा पा रहे। आपने जो लाइन बोल रहे हैं इसी लाइन कांग्रेस बोलती है, आपने जो लाइन बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी भी इसी लाइन बोल रही है। और वे हमारी 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 भाषा पकड़ लेते होंगे तो हम क्या करें भाई? वे हमारे अगर भाषा पकड़ रहे हैं, उनको लगता है कि इनकी भाषा बोलेंगे तो कुछ जान फंस जाएगी। वे तो अपने, उनके लोग जा रहे हैं, उनके लोग टूट गए, सब शामिल हो रहे हैं सरकार में, तो हम क्या करें उसमें? ये देश आंदोलन से बचेगा, ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं। कब तक सर ये आंदोलन? देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे, इसमें भी टाइम लगेगा, अभी तो ये जाएंगे, 32 के बाद में डाउन आने शुरू होंगे। जो बॉर्डर में आपके किसान पहुंचे हैं उसके बाद ये आंदोलन कुछ ज्यादा ही ये आंदोलन अगर इसके साथ में छेड़खानी की, अगर इसको रोकने की, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करी तो
ये अगर जिस दिन इन पर लाठी चल जाएगी या होगा तो ये और बढ़ जाएगा। इसको शांति से जाने दो, उनको बैठने दो, उनसे बातचीत करो। अगर उनके साथ में छेड़खानी करी तो ना किसान हमारे से दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। अब कहाँ जाना चाहते हैं सर, दिल्ली में और कहाँ? नहीं वहीं बैठ जाएंगे, तो जहाँ पहले बैठते थे वहीं बैठेंगे, बॉर्डर है। लेकिन आंदोलन चलेगा, उनसे बातचीत करें, क्योंकि आंदोलन करने वाले दूसरे लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करें, उनकी पूरी कमेटी है, उनसे बातचीत करें सरकार। सर देयर आर रिपोर्ट्स कमिंग दैट सेइंग यू आर गेटिंग अ पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम द आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस, दैट्स द रीजन यू आर सेंडिंग फार्मर्स देयर एंड आम आदमी पार्टी लीडर्स आल्सो कमिंग देयर टू बॉर्डर टू सपोर्ट फार्मर्स, इज देयर एनी पॉलिटिकल बैकअप टू यू? ना, हमारे पास में कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, ना हमें पॉलिटिकल बैकअप चाहिए, ना उनसे हम आगे बढ़ सकते पॉलिटिकल सिस्टम से। पॉलिटिकल पार्टी के विचारक तो जरूर होंगे, जो वोटर हैं वो तो हो सकता है, तो सब देखे जो हमारे साथ में सारी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं वोट देता है, वो हम भी वोट देते हैं, तो वोट देना सबका अधिकार है, हम नोटा नहीं दबाते। लेकिन वोट देना अलग होता है सर, सपोर्ट लेना? सपोर्ट नहीं हम किसी के लेते, ना उनके सपोर्ट से चलेंगे, वे अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष है अपनी पार्टी बचाएंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा, ना हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है किसी की, ना हमें चाहिए, हमें जनता की सपोर्ट है वही हमको चाहिए और उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग अलग अलग झंडा लगा के ट्रैक्टर के ऊपर आ रहे हैं, तो आंदोलन इस पार्टी के हैं, इस पार्टी के आदत है, नहीं उसने किसी ने नहीं भेजा, लगा लिया होगा किसी ने कोई झंडा, लेकिन नेता कोई नहीं है, ना नेता कोई जेल जाता, वो तो अपनी पार्टी बचाए, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।